इस वीडियो में हम कूलर के स्पीड ठीक है फिर भी उसकी हवा कम आने की वजह को दिखा रहे हैं, ताकि आप भी अपने कूलर को चेक करो। हो सकता है आपके कूलर में सेम प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपके कूलर की भी हवा ठीक से नहीं आ रहा हो। चलिए क्या करना है, देखिए आप अपने कूलर के पीछे जो घास लगे होते हैं खस, उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डस्ट, मैल मिट्टी जो है इसमें जमा हुआ है, जिसके कारण से इसके अंदर हवा ठीक से पास नहीं होता, यानी कि कूलर के अंदर ये जो डस्ट जमे होने के कारण हवा अंदर नहीं जाएगा। तो ये जो पंखे की स्पीड तो बढ़िया होता है, उसके बावजूद भी ये हवा नहीं फेंक पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हवा स्टोर होता है उसी को ही ये जो फैन है वो हवा बाहर फेंकता है। तो आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि आप अपने एक बार खस को ज़रूर देखिए, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हुआ है, तो खस को चेंज करने की ज़रूरत पड़ता है, तब जाके आपकी जो कूलर की जो पंखे हैं वो ज़्यादा हवा फेंक पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हवा ज़्यादा जाएंगी तो ये जो फैन है वो ज़्यादा हवा फेंकेगा। इस तरीके से आप पहचान लग गए कि आपके कूलर की हवा कम होने के कारण यही होते हैं। फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।